हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह कंटेंट और आपके लिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक वीवो का Y20 ये मॉडल है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे वीवो का Y20 मॉडल है। इसमें जो सीपीयू लगा हुआ है, इसमें क्वालकॉम का सीपीयू है। तो किसी यूज़र ने इसका पासवर्ड भूल चुका है और इसमें फ़ोन लॉक है। ऐसे अनलॉक करना है वीवो का Y20। तो ये आप UMT से कर सकते हो, मिरेकल से कर सकते हो, और हम इसे अनलॉक टूल से भी कर सकते हैं। तो सारा चीज़ है यहाँ पे फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो ये फ़ोन है और इसकी अनलॉकिंग करेंगे, तो अगर आपको पता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। आप इसकी अनलॉकिंग लास्ट एंड तक देखिएगा कि कैसे इस फ़ोन को हम अनलॉक करते हैं। तो वीडियो में बने रहें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ को UMT से करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए मैं इसको अनलॉक टूल से भी कर सकता था, इसको मैं मिरेकल से भी कर सकता हूँ, और इसको मैं UMT, तो UMT ज्यादा बेटर होगा क्योंकि सॉरी सबके पास UMT होता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे UMT को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मिरेकल थंडर से नहीं करने वाले हैं, हम इसको करने वाले हैं UMT से। तो UMT से करेंगे फ्रेंड्स, और आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा क्योंकि हम इसको मिरेकल से नहीं करने वाले हैं, हम इसको करने वाले हैं UMT से क्यूसीफायर। और इसका एक टेस्ट पॉइंट है, जो कि टेस्ट पॉइंट मैं दे दूंगा आपको एक फोटो के थ्रू। और यही अनलॉक टूल होता तो आपको टेस्ट पॉइंट देखने को बहुत ही इजी तरीके से देखने को आपको मिल जाता। अनलॉक टूल में उसकी पिक्चर आ जाती आपको क्लियर भाई। बाकी आप गूगल पे भी जा करके Y20 आप टेस्ट पॉइंट लिखेंगे तो आपको टेस्ट पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए हमें जाना है रीडिंग टूल में जाना है। रीडिंग टूल में जाने के बाद हमें अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है, तो ब्रांड है हमारा वीवो। उसके बाद लेना है हमारा मॉडल, मॉडल है हमारा Y20। तो देख सकते हैं यहाँ पे Y20 है, तो यहाँ पे Y20 को भी हम ले लेते हैं। अब सीधा और सीधा आपको करना है फॉर्मेट FS। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे तो आप जाएंगे फॉर्मेट FS पे जाएंगे फ्रेंड, ये देख सकते हैं फॉर्मेट FS। तो यहाँ पे फॉर्मेट FS अगर नहीं होता है तो आप फॉर्मेट FS वीवो को सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप सबसे पहले फॉर्मेट FS ही करें, और अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फॉर्मेट FS2 वीवो करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट FS कर दिए। अब फोन को हमें कनेक्ट करना है एडियल टेस्ट पॉइंट में, एडियल मोड में। तो हम यहाँ पे डाटा केबल को लगाते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये हमारा पोर्ट बनाया कि नहीं बनाया, तो आपको हमेशा डिवाइस मैनेजर को खोल के चलना है, इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो पोर्ट है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम पोर्ट में जाएंगे और देखेंगे हमारा क्वालकॉम 9008 पोर्ट बन चुका है। अब सिंपल और सिंपल हमें करना क्या है, यहाँ पे एक्सक्यूज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमें कर देना है सेफ, तो यस कर देना है। अब हमारा फोन कनेक्टेड है, और कनेक्ट जैसे ही है ये बहुत ही इजिली तरीके से अनलॉक हो जाएगा, कुछ भी करने की आपको जरूरत। अगर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो एरर आ गया सीपीयू नॉट मैच, अगर यहाँ पे लिख रहा था जब आपने यहाँ पे फॉर्मेट FS किया था, तो यहाँ पे अगर दिक्कत आ गया है तो यहाँ पे हम कर सकते थे वीवो फॉर्मेट FS2 भी कर सकते हैं, पर इसको मैं कुछ दूसरे तरीके से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको जाना है यहाँ पे वीवो जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको फ्रेंड्स एक फाइल है जो कि इसकी सपोर्ट फाइल, या तो मैं लिंक में दे दूंगा या तो इसके आप वहां से भी जा करके कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे वीवो का Y20 आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, फाइल देना है। तो हमने यहाँ पे फाइल सेलेक्ट किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीवो का Y20 हमने यहाँ पे फाइल सेलेक्ट किया हुआ है। और इसको आपको करना है फैक्ट्री फॉर्मेट पे टिक करना है, और उसके बाद आप रिसेट FRP पे भी कर दीजिए क्योंकि इसमें FRP भी लगी रहेगी, तो दोनों एक साथ ही हमारा हो जाएगा। अब हम फोन को कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। फोन को कनेक्ट करने के बाद हमें फिर से एक्सक्लूज कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पोर्ट बन चुका है, और पोर्ट बन गया है तो हम यहाँ पे कर देते हैं एक्सक्लूज। उस पर जैसे ही टिक करेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारा काम होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर से हम इसको दूसरे मेथड से यूज करेंगे। अगर यहाँ पे अगर हो जाता है तो ये देखिए सेंडिंग लोडर डाटा ओके हो चुका है, डन हो चुका है। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग होता है कि नहीं होता है ये मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने दोनों ही तरीके से किया था। क्योंकि उधर से देखा तो फॉर्मेट में हमारा फाइल आ चुका था, बट हमने यहाँ पे एक फाइल के माध्यम से किया है। तो यहाँ भी आ गया आपका फाइल, फाइल तो कुछ नहीं है, रीड राइट एट ब्लॉक ब्लॉक आ रहा है, पर फिर भी इरेज डाटा मेथड डन हो गया है, FRP भी डन हो चुकी है, मतलब कोई एरर नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन हमारा कनेक्टेड है। अब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं डाटा, क्योंकि हम जो मेथड यूज कर रहे थे हमने यहाँ पे एक फाइल दी थी, फाइल आपको दिखा देते हैं। ये इसकी फाइल थी फ्रेंड, वीवो वाई की अनलॉक की फाइल थी। इसमें आप बहुत इजीली तरीके से अनलॉक एक नए मेथड से UMT के थ्रू आपने देखा यहाँ पे, और ये कम्प्लीटली फिनिश्ड हो चुका है। अब हम दिखाएंगे आपको कि एक्चुअल में काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड। तो हम अपने कैमरे के थ्रू आपको दिखाएंगे कि ये फॉर्मेटिंग हुआ कि नहीं। ये कोई एरर नहीं था, यहाँ पे रीड राइट का एक एरर है,
जो कि रेड कलर का कोई एरर नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे हमारा जो मेथड था फॉर्मेटिंग इरेज डाटा और एफआरपी दोनों ही डन हो चुका है एक नए तरीके से, शायद आपने नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो ठीक है, नहीं भी देखा है तो मैंने दोनों मेथड्स आपको बता दिए हैं आप यूएमटी से कैसे अनलॉक कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा बहुत ही इजली तरीके से जब हमने यहाँ पे रेडियंट टूर में जाके फॉर्मेट करने की कोशिश की तो वहाँ पे हमारा एरर आ चुका था सीपीयू का। पर ये देखिए वही फोन है, ये फोन हमने खोला हुआ था, मैंने आपको बोला था कि लास्ट एंड पे मैं इसका टेस्ट पॉइंट दिखा दूंगा। आप ये देख सकते हैं वीवो के जो दो टिप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका वीवो का Y20 का ये टेस्ट पॉइंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फोन है वही, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट सेकेंड बूट पे चला गया है, फर्स्ट बूट तो हो चुका था, ये सेकेंड बूट पे चला गया है वीवो। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये टेस्ट पॉइंट है बहुत इजली तरीके से। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ फोन को आपको प्रॉपर ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आप इसके टेस्ट पॉइंट को टेस्ट करेंगे, तब जाके आपका एडियल 9008 पोर्ट बनाएगा, नहीं तो पोर्ट ये नहीं बनाएगा फ्रेंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अभी जैसे ही हमारा, क्योंकि हमने देखिए ये मेथड जो यूज़ किया था आपने देख लीजिए वो वही है, मैं पीछे बैकग्राउंड में भी आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो फाइल रखी हुई थी फ्रेंड, इस फाइल के माध्यम से हमने यहाँ पे फाइल दिया है, और फाइल देने के बाद हमारा बहुत ही ईजी तरीके से ये प्रोसेस हो चुका है जैसा कि आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम फॉर्मेट लग रहा है, अगर ये सक्सेस हो गया है तो इसलिए टाइम लग रहा है। अगर यहाँ पे डेड डिस्क कुछ भी नहीं है फ्रेंड, और एक डेड डिस्क होता भी है कि अगर आप गलत फाइल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फोन आपका हो सकता है कि डेड पे या स्टक लोगों पे चला जाए। पर जैसे हम बात कर रहे थे कोई भी स्टक लोगों पे नहीं गया, और इसमें FRP भी नहीं आएगा क्योंकि हमने FRP पे यहाँ पे ऑलवेज टिक कर दिया था। तो चलिए फाइनली सेटअप आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे एग्री कर देते हैं, क्योंकि इसके FRP और एक साथ में दोनों ही काम हो गए फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे स्किप कर देते हैं फिलहाल, यहाँ पे ये स्किप स्किप के बटन प्रेस नहीं हो रहा था क्योंकि मैं एक हैंड से ही बनाता हूँ वीडियो। एक्सेप्ट कर देते हैं, जस्ट ए सेकेंड, नेक्स्ट करेंगे, फिर से आपको यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा अभी, नेक्स्ट, और यहाँ पे कर देते हैं स्किप, और मैं एक हाथ से ही बनाता हूँ फ्रेंड, फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी कर देते हैं स्किप। अभी फाइनली यहाँ पे भी स्किप करना है, अभी जस्ट अ सेकेंड, यूज नाउ पे आ गया। अगर इसमें FRP होगी तो वापस से आपको बोलेगा नॉट सिंकिंग का मैसेज आ जाएगा, अगर ये FRP नहीं होगी तो ये फोन हमारा यूज नाउ पे जैसे ही टिक करेंगे। तो फ्रेंड FRP तो हमने आई होप यहाँ पे दिखाई थी, पर यहाँ पे क्लियर FRP डन भी लिखा था, बट यहाँ पे FRP इरेज नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी FRP की भी वीडियो आप देख सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप जैसे आपने इसको मेन फॉर्मेटिंग का था मेरा, पैटर्न हटाना था, पासवर्ड हटाना था, आपने देखा था, बट इसकी अब FRP की वीडियो भी आप नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट करिएगा, इसकी बहुत जल्द FRP बाईपास की वीडियो भी आपको मिल जाएगी।